मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है द क्राउडेड ट्रेन। मतलब एक भरी हुई ट्रेन, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली। क्राउडेड यानी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली या भरी हुई ट्रेन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको। हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन से सफर किया है? सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि हैव यू एवर बॉट अ टिकट योर सेल्फ? क्या आपने खुद से कभी टिकट खरीदा है? मतलब आपने स्वयं जाकर कभी ट्रेन का टिकट खरीदा है? वाट हैपन्स इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट? क्या होगा यदि कोई बगैर टिकट के यात्रा करता है? ट्रेवल्स यानी यात्रा करना, विदाउट यानी बगैर किसी टिकट के। ठीक है, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट अ फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। विनोद ने अपने ऑफिस का काम समाप्त किया, फिनिश किया, एंड बॉट खरीदी फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें, टू टेक बैक टू इंदौर, इंदौर वापस आने के लिए, है ना। विनोद जो है भोपाल गया है और वहाँ से इंदौर वापस आ रहा है, तो उसने ऑफिस का सब काम, ऑफिस के काम से वो गया था भोपाल, सारा काम कर लिया है। अब वो इंदौर आने के लिए कुछ चीज़ें खरीदता है और प्लान करता है वापस से इंदौर आने का। ही हैड कम ऑन अ ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट। ही हैड कम एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल, वह एक ऑफिशियल विजिट पर आया था भोपाल, ऑफिस के काम से भोपाल आया था। इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट, है ना, और उसने प्लान बनाया कि वह रात तक वापस भोपाल पहुंच जाएगा ना। सुबह भोपाल आया था ऑफिस के काम से, सब काम समाप्त कर लिया, अब रात को वह उसने सोचा कि रात तक वह इंदौर पहुंच जाएगा। एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन, जैसे ही वह भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा, ही नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया कि द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, ओवर क्राउडेड, है ना। अब वो भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहाँ से इंदौर आने के लिए वह टिकट वगैरह लेगा, तो जैसे ही उसने ट्रेन को देखा तो ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास, और ऐसा लग रहा था कि उसको सेकेंड क्लास में सफ़र करना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरी हुई थी ट्रेन। अब ट्रेन में 3 क्लास होती है बच्चों, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब एसी क्लास, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीआईपी, उसमें एसी वगैरह लगे रहते हैं। सेकेंड मतलब मिडिल क्लास, मतलब जो थोड़ी नॉर्मल टाइप सी रहती है, और थर्ड क्लास मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़, सेकेंड और थर्ड क्लास में अक्सर भीड़ ज़्यादा रहती है। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स और टू बाय अ न्यू टिकट्स, है ना। अब उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपने ट्रेवल प्लान को चेंज करे या एक नई टिकट खरीदे एसी क्लास की, है ना, क्योंकि ट्रेन कुछ ही देर में, 1-2-4 मिनट में बढ़ने वाली थी, तो उसके पास इतना टाइम नहीं बचा था कि नई टिकट खरीदे या फिर कुछ और चीज़ प्लान करे। ही नोटिस्ड दैट देयर वर सम वैकेंट सीट इन एसी कोच, उसने नोटिस किया कि एसी कोच में कुछ वैकेंट यानी खाली सीट है ना। अब ये जो सेकेंड क्लास, उसके पास टिकट थी सेकेंड क्लास की, लेकिन उसने देखा कि एसी कोच में कुछ खाली सीटें हैं, है ना। अब उसके पास क्या था कि सेकेंड क्लास की टिकट थी, लेकिन एसी कोच वाले डब्बे में वो गया, तो वहाँ पे कुछ खाली जगह दिख रही थी, तो अब देखते हैं क्या करता। ही बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन एसी कोच, है ना। तो वो उसने उसने क्या करा कि वह एसी कोच वाले डब्बे में चढ़ गया, है ना। लेकिन उसके पास टिकट कौन से वाले डब्बे की थी? सेकेंड क्लास की थी, लेकिन एसी कोच वाले डब्बे में चढ़ गया वो। ही इंटीडेड
ही इंटेंडेड टू पे द डिफरेंस एज सुन एज द टीटी अराइव। उसने सोचा कि जैसे ही टीटी आएगा वो जो भी उसका ऊपर के जो पैसे देना रहते हैं वो दे देगा टिकट के, है ना। टीटीई कौन होता है? जो टिकट चेक करता है ट्रेन में, है ना। ये देखो टीटीई का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, टीटीई, ट्रेन में जो टिकट चेक करता है। और एसी कोच का अर्थ लिखा गया है एयर कंडीशनड कोच, जिसमें एसी वगैरह चलती है, एयर कंडीशन, है ना। तो उसने सोच वो क्या है, जल्दी जल्दी में उसको एसी कोच में खाली जगह दिखी तो वहीं पे चढ़ गया और जाके बैठ गया। और उसने सोचा कि जैसे ही टीटीई आएगा मैं उसको मतलब सेकंड क्लास के पैसे कम रहते हैं टिकट के और एसी क्लास के ज़्यादा रहते हैं, तो उसने सोचा कि उसको टीटीई आएगा तो उसको ऊपर के जो जितने पैसे और बन रहे हैं एसी क्लास के वो दे दूंगा। ही गोट इन टू द कोच एंड सेट डाउन ऑन वन ऑफ द टू वेकेंट सीट, है ना। वो जैसे ही एसी कोच वाले डब्बे में चढ़ा तो दो खाली सीटों में से एक सीट पर वो बैठ गया। वेकेंट सीट यानी खाली सीट, टू वेकेंट सीट यानी दो खाली सीट थी उसमें से वन ऑफ द एक सीट पर सेट डाउन यानी बैठ गया, है ना। सिट डाउन यानी बैठना और सेट डाउन यानी बैठ गया, ये सेकेंड फॉर्म है, सिट का सेकेंड फॉर्म सेट। द अदर पैसेंजर इन द कोच अपियर्ड टू बी रिच बिजनेसमैन। उस कोच में उस डब्बे में जो दूसरे पैसेंजर मतलब यात्री थे, पैसेंजर यानी यात्री, अपियर्ड या मतलब कैसे दिखाई दे रहे थे, रिच बिजनेसमैन मतलब सब अमीर लोग दिखाई दे रहे थे, है ना। क्योंकि एसी कोच था तो उसमें ज़्यादा टिकट रहती, टिकट महंगी रहती है, तो सब बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, बिजनेसमैन लोग, व्यापारी लोग उसमें सफ़र करते हैं। दे वर वेल ड्रेस्ड, वह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो एसी में बैठे हुए थे लोग। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही ट्रेन शुरू होने वाली थी मतलब ट्रेन चलने वाली थी, तो क्या होता है, ए पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ अ वॉर्न आउट सूटकेस जम्प्ड इन एंड सेट डाउन, है ना। जैसे ही ट्रेन शुरू होने वाली थी तो एक पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन मतलब बहुत ही गंदे तरह के कपड़े हुए पहना व्यक्ति और वॉर्न आउट सूटकेस, बहुत पुरानी एक सूटकेस उसके पास थी, जंप्ड मतलब जल्दी से आया एंड सेट डाउन और वहां आकर बैठ गया। एक बहुत ही गंदे कपड़े हुए पहना व्यक्ति जिसके पास एक पुरानी खटारा सूटकेस थी वो जल्दी से आया और एसी कोच वाले डब्बे में बैठ गया। ही लुक्ड एज इफ ही हैड नो जॉब, वो ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब है ना। और एसी कोच में कौन बैठता है, बड़े बड़े अमीर लोग या बिजनेसमैन लोग बैठे थे जिनके पास अच्छी ड्रेस थी, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही गंदे कपड़े, गंदा सा दिखने वाला गंदे कपड़े पहना हुआ एक गरीब व्यक्ति आकर वहाँ पर बैठ जाता है। द यंग मैंस कोट वॉज टाइट, और ये जो व्यक्ति आकर बैठता है उसका कोट बहुत टाइट होता है, मतलब उसने भी कोट पहना है लेकिन उसका कोट बहुत टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक, और पीठ पर से बहुत छोटा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी से मंग के गंदा सा कोट इसने पहन लिया होगा और एसी कोच में आके बैठ गया। आगे देखते हैं। ही सीम्ड टू बी अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस विथ ऑल द रिच पीपल एज को पैसेंजर्स अराउंड हिम, है ना। तो वह ऐसा लग रहा था कि ये किसी दूसरी जगह से आया हो, जैसे कि वहाँ पर रिच पीपल और को पैसेंजर थे उसके साथ, जो दूसरे अमीर लोग बैठे थे उनको वो बहुत अजीब लग रहा था कि ये कौन आके बैठ गया है हमारे पास ट्रेन में। सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग वाइल अदर्स फेल्ट अनकंफर्टेबल ड्यू टू हिज प्रेजेंस। सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग, उसमें से कुछ जो लोग हैं वो कानाफूसी करने लगे, कान में एक दूसरे से बात करने लगे कि कितना गंदा व्यक्ति आके बैठा है, कैसे कपड़े हैं इसके। वाइल अदर्स फेल्ट अनकंफर्टेबल, जबकि जो दूसरे लोग थे वो अनकंफर्टेबल मतलब अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि इतना गंदा व्यक्ति ये कैसे कपड़े पहना है यहाँ के बैठ गया, ड्यू टू हिज प्रेजेंस उसकी उपस्थिति में। टू ऑफ द पैसेंजर्स स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर, दो लोगों ने तो अपने अखबार पढ़ना भी बंद कर दिया, है ना। दो जो अमीर लोग हैं वो अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अखबार अखबार पढ़ना बंद कर दिए एंड लुक्ड
अप एंड डाउन एट द यंग मैन्स, और उस यंग मैन उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखने लगे जिसने गंदे कपड़े पहन के ट्रेन में चढ़ गया था मेले कुचेले। एंड और देन स्टार्टेड रीडिंग अगेन, है ना। तो क्या करते, थोड़ा सा पढ़ते, फिर उसको देखते ऊपर से नीचे तक, फिर पढ़ने लग जाते, फिर देखते ऊपर से नीचे तक, मतलब उसका एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे। ये आपको पिक्चर में दिखा देते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये तो TTE है जो टिकट चेक करता है ट्रेन में, है ना। और ये दो व्यक्ति जिनके बारे में बात करने की, दो अखबार पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। विनोद वाज सरप्राइज्ड टू सी सच अ मैन इन एसी कोच। विनोद भी एसी कोच में ऐसे व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, मतलब इतना गरीब व्यक्ति एसी कोच में बैठ कैसे गया। अगर इससे किसी ने टिकट के बारे में पूछ लिया तो ये क्या जवाब देगा, या इसके पास टिकट है कि भी नहीं कि बिना टिकट के आके बैठ गया। ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वॉज। उसको याद आया कि हाँ, जो ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, शायद इसलिए ये भी एसी कोच में आके बैठ गया। बट ही वॉन्डर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द एसी क्लास। लेकिन वह सोचने लगा कि यह व्यक्ति एसी क्लास का किराया दे पाएगा, फेयर यानी किराया, या इसके पास टिकट है। विनोद ने सोचा, परहैप्स द यंग मैन्स एक्सपेक्टेड दैट नो वन वुड कम टू चेक द टिकट्स एंड ही वुड बी एबल टू ट्रेवल इवन विदाउट अ टिकट। विनोद ने सोचा कि शायद इस व्यक्ति ने एक्सपेक्टेड यानी अनुमान लगाया होगा दैट कि नो वन वुड कम टू चेक द टिकट्स, की टिकट चेक करने कोई भी नहीं आएगा, एंड ही वुड बी एबल टू ट्रेवल इवन विदाउट अ टिकट, और यह बिना किसी टिकट के यात्रा आसानी से कर लेगा, ऐसा विनोद ने सोचा। बट लेकिन आफ्टर जस्ट हाफ एन आवर मतलब 1 घंटे के बाद, द टीटी अपीयर, टीटी वहां पर प्रकट हो गया, मतलब आ गया चेक करने के लिए टिकट। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस। विनोद ने अपना सेकंड क्लास का टिकट निकाला, लेकिन वो एसी क्लास में बैठा था तो वो उसके ऊपर जितने भी पैसे बन रहे थे एसी क्लास के टिकट के, उसने वह डिफरेंस मनी का, पे द डिफरेंस, उसमें जितना भी अंतर था वो उसको टीटी को पे कर दिया, मतलब दे दिया। द यंग मैन सेट स्टिल। लेकिन वह जो यंग मैन है, वो व्यक्ति, वह अभी भी वैसा के वैसे ही बैठा हुआ है ना, जिसने गंदे कपड़े पहने हुए गरीब व्यक्ति। ही हैड नो टिकट एट ऑल। ऐसा लग रहा था कि उसके पास टिकट नहीं है शायद। विनोद वॉन्डर्ड वाई ही वॉज सो कॉम। विनोद ने सोचा कि यह इतना शांत क्यों बैठा है ना, ये तो घबरा भी नहीं रहा है, टीटी टिकट चेक करने वाला आ गया फिर भी घबरा नहीं रहा है। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ। क्या यह नियम कायदे कानून से डरता नहीं है, अफ्रेड यानी डरना, है ना। अगर इसके पास टिकट नहीं होगी तो इसको जुर्माना लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत बैठा है, कुछ घबरा भी नहीं रहा है। विल ही पे द पेनल्टी फॉर द ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट। क्या इसके पास टिकट नहीं है तो क्या यह पेनल्टी यानी जुर्माना देगा बिना टिकट के यात्रा करने के लिए। द टीटी मूव्ड टुवर्ड्स हिम, है ना। तो विनोद इतना सब सोच ही रहा था, इतने में टीटी उसके टुवर्ड्स, उसकी ओर मुड़ा, किसकी ओर, उस गरीब व्यक्ति और जिसने गंदे कपड़े पहने थे। एंड और क्या हुआ था है, ही सॉट द टिकट वेरी कामली। वो बहुत ही शांत तरीके से अपना टिकट निकाल कर बता देता है। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन एसी कोच। उसके पास एसी कोच में यात्रा करने के लिए एक वैलिड टिकट था, मतलब उसके पास टिकट मौजूद था, लेकिन सब लोग उसको ऐसी नज़र से देख रहे थे कि इतना गरीब व्यक्ति है, इतने गंदे कपड़े पहना है, तो ये कैसे चढ़ गया एसी कोच में, इसके पास टिकट भी नहीं होगा, है ना। सब उसको घृणा की नज़र से और बहुत गंदी नज़र से और देख रहे थे। तो हमें कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि उसको देखकर कि ये कैसा होगा या कैसा नहीं होगा, किसी के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए, है ना। जब तक हम उस व्यक्ति से बात नहीं कर लें, उसको समझ नहीं लें, तब तक उसके बारे में कुछ भी गलत
हमें नहीं सोचना चाहिए, गलत धारणा किसी के बारे में भी नहीं रखना चाहिए, है ना। जैसे कि विनोद और वहाँ के जो पैसेंजर लोग और भी व्यक्ति बैठे थे, रिच बिजनेसमैन अमीर लोग, वे यही सोच रहे थे कि इतना गंदा व्यक्ति गंदे कपड़े पहना हुआ और यहाँ के बैठ गया है, इसके पास टिकट होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसके पास एक वैलिड टिकट था और एसी कोच में यात्रा करने के लिए। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो हमारे आपको सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल इकरा इंग्लिश क्लास।